एक ओर नेपाल सीमा विवाद पर भारत को आंखें दिखा रहा है, वहीं ओली सरकार नेपाल में चीनी अतिक्रमण पर पूरी तरह से खामोश है। जानकारों का कहना है कि चीन से मिलने वाले पैसे ने वहां के सत्ताधारी नेताओं की जुबान पर ताला लगा रखा है, चाहकर भी कोई नेता बोल नहीं पा रहे हैं। वहीं चीन अतिक्रमण के खिलाफ विपक्षी दलों ने ओली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेपाल में चीन के कब्जा करने का खुलासा तब हुआ जब एक दिन पहले नेपाल के सर्वे विभाग ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में सर्वे विभाग ने चीन के अतिक्रमण को लेकर नेपाली सरकार को आगाह किया है। सर्वे में कहा गया है कि नेपाल के बड़े भूभाग पर चीन लंबे समय से कब्जा जमाए हुए है। नेपाल के 5 जिलों की करीब 74 हेक्टेयर भूमि और गोरखा और दारचूला के एक एक गांव पर चीन ने अतिक्रमण किया है। चीन तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाली जमीन पर अतिक्रमण करने में लगा हुआ है। वो भविष्य में नेपाल के इन इलाकों में सैन्य चौकियां भी बना सकता है। दौलत जिले के बिगू गाँव पालिका के कुरला क्षेत्र में 5 हेक्टेयर जमीन चीन के पास चली गई है। इसी तरह नेपाल और चीन को अलग करने वाले स्तंभ को भी लापता बताया गया है। सर्वे विभाग के मुताबिक चीन नदियों के बहाव को मोड़कर नेपाल चीन की प्राकृतिक सीमा को बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन की सरकार कथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR में सड़क नेटवर्क का विस्तार कर रही है, जिसकी वजह से कई नदियों और सहायक नदियों का रास्ता बदल गया है। ये नदियां अब नेपाल की तरफ बहने लगी हैं, जिसकी वजह से नेपाली भूभाग घटता जा रहा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर ये सब कुछ और वक्त के लिए जारी रहा तो नेपाल का अधिकतर हिस्सा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चला जाएगा। 1960 के सर्वे के बाद कुछ स्तंभ बनाने के बाद नेपाल ने अपनी सीमा सुरक्षा के लिए कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है। चीन के साथ लगी सीमा पर नेपाल ने 100 स्तंभ बनाए थे, जबकि भारत के साथ नेपाल की सीमा पर 8,553 खंभे हैं। उधर नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने चीन के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में एक संकल्प प्रस्ताव दायर किया है, जिसके अनुसार सरकार से चीन की कब्जा की गई नेपाली भूमि को लेकर जवाब मांगा गया है। संकल्प पत्र में कब्जाई गई जमीन की स्थिति के बारे में संसद को बताने के लिए भी कहा गया है। नेपाली कांग्रेस के सांसद देवेंद्र राज कंडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल और संजय कुमार गौतम ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव दर्ज किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि नेपाल और चीन के बीच 1414.88 किलोमीटर की सीमा है। इन सीमाई इलाकों के कई भूभाग पर चीन की ओर से अतिक्रमण किया गया है। संकल्प पत्र में बताया गया है कि सीमा पर लगे 98 खंभों को तोड़कर चीन ने नेपाल के भूभाग पर कब्जा किया है। गोरखा जिले के रुई गांव को तो चीन ने तिब्बत में ही मिला लिया है। न्यूज चैनलों में भी इसको प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। सरकार इसकी वास्तविक स्थिति से सदन को अवगत कराए। नेपाली मीडिया की माने तो चीन ने नेपाल के दोलखा जिले के उत्तरी क्षेत्र में 5 हेक्टेयर से अधिक हिस्से पर कब्जा किया है। वहीं हुमला, सिंधुपालचोक, संखुआ सभा और रासुवाका में 64 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। गोरखा और दारचूला के जिन गांव पर चीन का कब्जा है, वहां की पैमाइश अभी तक नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच 2012 में सीमा विवाद को लेकर वार्ता होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। बीते कुछ दिनों से नेपाल लगातार भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। पहले उसने अपने नक्शे में बदलाव किया, फिर नागरिकता संशोधन बिल लाया। पूर्वी चंपारण पर भारत नेपाल सीमा पर बने बांध की मरम्मत में रोड़े अटकाने पर तुला हुआ है। सवाल ये है कि क्या नेपाल की सरकार अब भी चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करेगी या सच्चाई को स्वीकार कर कुछ कदम आगे बढ़ाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।